फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आज तो नहीं, 8 दिन पहले वाकया हुआ था। मैं 8 दिन से जो कंप्लेन कर रहा स्कूल में, कोई भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए आज जाके कंप्लेन कर रहा हूँ। मैं मेरे बच्चे के साथ जो गलत हरकतें कर रही है, ये टीचर डे के दिन से शुरू हुआ तो ये, और टीचर डे से दोस्ती भी उसके बाद से हरासमेंट किस तरीके का है। बस गंदे हरकतें कर रहे हैं, टॉयलेट में लेके जाके बच्चे के साथ, बच्चा आधा घंटा कोई उसी के ब्लॉक के आएगा थे, अब वो ब्लॉक तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक है। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? अभी मेरा बच्चा सेकंड में, ये फर्स्ट क्लास से हुआ तो ये टीचर डे के दिन छुट्टी। पुलिस में कम बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? अभी मेरा बच्चा सेकंड में, ये फर्स्ट क्लास से हुआ तो ये टीचर डे के दिन छुट्टी। पुलिस में कंप्लेंट दी है? पुलिस ने अभी मैं कंप्लेंट देके आया हुआ हूँ। आप पहले कभी मैनेजमेंट को दिए थे? मैनेजमेंट को तो ऐसा हमारे को मालूम भी नहीं था। अब वो बच्चा हमेशा पेट में दर्द हो रहा, खाया हो रहा बोलता था। टीचर्स को भी एक दो बार बोले, वो टीचर नज़रअंदाज कर दिए। और अभी 12 तारीख को स्कूल खुला था, उससे लेके अब तक 2 वक्त हो गया है। बीच में लास्ट मंडे बच्चा स्कूल गया था, 2 घंटे मेरा बच्चा बेड पे पड़े हुआ था, कोई स्कूल से फ़ोन नहीं आया। टीचर्स को बोले तो बोलते, टीचर्स मैं आपका नंबर नहीं लग रहा था, पहले बोले नंबर नहीं था, बाद में बोले नंबर नहीं लग रहा है, कॉपी पे नंबर है। मैं भी लग रहा था टीचर्स का काम था, इंचार्ज से मिलना था, प्रिंसिपल से मिलते, नंबर तो निकाल के फ़ोन कर सकते थे। अभी उठा मैनेजमेंट हमारे को बात कर रहा है। क्या भाई फ्री में पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को? आप पैसे दे रहे हैं हर महीना, साल को साल? अभी यहाँ क्या वाकया हुआ भाई? यहाँ कुछ जब भी सुने में आया, मैं बच्चे को पिकअप करने के लिए आया था जी, तो कुछ बोल रहे थे भाई बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ बोल के जी। मेरा बच्चा ही फर्स्ट क्लास में है भाई, किसी के ही बच्चे के साथ हुआ कि कोई भी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि टाइम टू टाइम आए और बच्चों के ऊपर अपनी गौर फिक्र करे। आज मेरे एक बच्चे नहीं, मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे UKG में, 1 बच्चा फर्स्ट में है। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीरुद्दीन है, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है कि भाई स्कूल सुबह 9 बजे खुलता है और प्रिंसिपल आते हैं 11:30 बजे, और प्रिंसिपल को बात करने का बहुत ये तक के तरीका नहीं है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कैसा है यहाँ पर पूरे टीचर्स वगैरह का? बेकार है, बेकार, गैर जिम्मेदाराना मैनेजमेंट है। अगर कोई पेरेंट्स इशू लेके जाएंगे तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। ठीक है, ले लेते हम ट्रस्टियों से पूछ के बोलते भाई, और मेला करे ट्रस्टियों को, मेला करे टॉयलेटों के वास्ते, कोई रिस्पांस नहीं आया। खाली यहाँ पे सिर्फ सैलरियाँ ले रहे हैं, वो अड्डे के जो लेबर आ रहे थे उन्होंने लमसम जो बात करते हैं ना, अपना काम होते निकल के चले जाते, स्कूल छूटते बच्चों के साथ टीचर निकल के चले जाते, अंदर कोई जिम्मेदार नहीं रहता। प्रिंसिपल के टाइमिंग देखे तो आप 8:45 बजे स्कूल है, 10:30 बजे प्रिंसिपल आते, 11 बजे। तो इसकी शिकायत आप कभी करें नहीं मुकरम जाए स्कूल के ट्रस्टियों को? लेटर आते कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सेक्रेटरी को लेटर आ दिए, हर चीज़ कैसे टॉयलेट के वास्ते हर चीज़ कैसे बोले, गैर जिम्मेदाराना है। बस खाली एडमिशन के टाइम पे आ रहे, एडमिशन ले ले रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं आया। जाके एक दो पेरेंट्स बात करने जाओ, प्रिंसिपल ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्यों नहीं बात कर रहे? पेरेंट्स नहीं करते, पर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का काम है कि बच्चे स्टूडेंट से कहता है तो हायर विंग में जाए। कोई भी स्कूल की अथॉरिटी है ना भाई, आप प्रिंसिपल से डायरेक्ट मिल सकते हैं। वजह क्या है प्रिंसिपल नहीं मिलने की? तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वजह वो प्रिंसिपल को ही मालूम है। तो बच्चे के बदले